इस विजिलेंस ऑफिसर जिहड़ा सिस्टम जिहड़ा वो एक एक्सीजन से 1200 करोड़ का परचा दर्ज करता है, मतलब वो अगे पिछे कोई है नहीं गा। फिर यहोजा सिस्टम तो आप लैना की आ, इरीगेशन की फाइल पिछले 4 साल 4.25 साल वो कितने तुरी फिर मैनू गल समझ हैगी आ, क्योंकि वो बड़िया मच्छियां कभी उन्होंने सज्जे नू कर लेंगे, कभी खब्बे नू कर लेंगे, कभी किसे पासे नू कर लेंगे, कभी किसे पासे नू कर लेंगे। इस करके कप्तान साहब, मैं भी हिंदुस्तान का कैप्टन रहा हाँ हॉकी का, लेकिन मैं इज्जत, क्योंकि बेसिक मेरी प्रॉब्लम कितने आ कि मैं कभी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ता, मैं कभी डिसरिस्पैक्ट किसी को शो नहीं करता। मैनू ये आस सी सच्ची गल आ 2017 भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की लास्ट इनिंग आ, तो ये पंजाब लई कुछ ना कुछ चंगा करके जाणगे। पर अफसोस है असी पुठे राह पा लिया, कितने बैठ के कल्ले, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहना चाहुंदा कितने बैठ के कल्ले कमरे च मतलब खतरा ग्रुप हैवी हो रहा है। असी अज तक कभी रियलिटी ये आ, मैं तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कभी ग्रुप नहीं, अज तक नवजोत सिद्धू की भी 14-16 साल की राजनीति आदि कोई ग्रुप बनया, जदों असी एक टीम च आ गए, असी कांग्रेस की टीम च आ गए, तो यह कहदा ग्रुप होया? असी मैं तो इतों तक भी आ, मैं कभी इदा की गल ही नहीं करता, मैं पहला अंदर बह के गल करता, फिर जो कोई नहीं सुनता तो फिर मैं लिख के करदा, फिर जे लिख के भी नहीं सुनता फिर मैं फिर बेनती करदा भी ना आपां पंजाब का नुकसान ना करिए, जे आ चीज़ां करन वालियां हैगियां इहनूं कर लईए, ते जे उहदे बावजूद भी ते फिर कितें जाके मैं मीटिंग च गल कहिंदा भी आ इशूज़ हैगे आ एंड दीज आर द पॉइंट, क्योंकि हो सकता बहुते MLA नूं इस सिस्टम की ना समझ आउंदी होवे, लेकिन समझ इस गल की तो आउंदी आ ना कि असीं जा किधर नूं रहे आ, ते जे उन्हों भी टारगेट किया जाता तो फिर तो वेलकम है, जो मर्जी करना इन्हें कर लेना। हाईकमांड नूं तो मैं लगता गल पता लग ही गई होनी है, जलक जूगी मैनू कहते गल बड़ी क्लीयर है। मैं क्या पहला तो मैं थोड़ा जा फील किया कि यार ये गल भी हो सकती है, मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा ही सड़ी, हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मेरा कोई धड़ा नहीं है, मैं कभी धड़ा नहीं बनाया, मैं तो यह पॉलिटिक्स, मैं तो टीम त्या, मैं तो टीम बनाई हमेशा, जे 10 साल हिंदुस्तान की कप्तानी की ते हर बंदे का रोल हुंदा, कप्तान यहोजा होना चाहिए भी जिदा जिदे को जिहड़ी कपैसिटी हैगी रोल दे के उहदे कोलों कम करावे, तो जे यही कह देना भी ये धड़ा क्रिएट करते, किहड़ा धड़ा क्रिएट करते, जे असी मिल लिया 4 मिनिस्टर मिल गए,
जे कोई एम एल ए बह के मिल गया असी तो रोज मिलता, मैं तो सारे मिलता, मैं तो कल भी परसों भी मिलया, मैं कदों कहना नहीं मिलया। तो जे ये कोई क्राइम है तो फिर उस क्राइम के मैं उस गल नू एक्सेप्ट करने तैयार है। जो विजिलेंस दी रेड्स हो रही ने उहदे बारे की कहोगे, जो कल दी परसों दी न्यूज़ चल रही सी उसनू किस तरह वेख दी? नहीं, विजिलेंस तो बेसिकली वरत्या जाता, मैनू यह भी पता भी किन्ने किन्ने क सरकारी बंदे जदों कितें सरकारां बदलदियां तां होस्टाइल हुंदे आ। जे विजिलेंस ने करना सी तां आ दो केस चार चार सवा सवा चार साल हो गए आ, हजे ताईं लटकदे रहे आ। इन्हां नू कौन रोकदा जदों एक बारी एविडेंस आ जाती आ, जदों एक बारी ये आ जाता भी हाँ भाई इरीगेशन का स्कैम आपां नू सब नू पता ना, वो कभी सज्जे नू तोड़ देना कभी खब्बे नू तोड़ देना। मैं तो सच्ची गल आ, मैं जे नौकरी की आ ना, बदकिस्मती है कि ये लोग जिहड़े पढ़े लिखे भी आ, मैं नहीं कहिंदा ब्यूरोक्रैट च इमानदार नहीं हैगे, हैगे आ, लेकिन उन्हां नू इहो जिहा सिस्टम च लिजा के इहो जिहा खर्च किया जाता भी ता कि उस ऑर्गनाइजेशन नू खराब कर दिओ, खिलार दिओ, उस सिस्टम नू खिलार दिओ। वो खड़ी है यार, किन्ने पैसे चाहिए आ? पैसे बहुते नहीं चाहिए जिंदगी दे विच। मिलते तो असं रोज ही हैं, ये तो कोई रौला ही नहीं है कि अभी कोई मिलते नहीं है, पर धमकियां मैं जरूर वीरवार को ये फोन करके, और मैं दो तीन दिन रियलिटी ये आ कि मैं दो तीन दिन बड़ा अपसैट रहा। मैं महसूस किया कि जे कोई किसी किस्म का बेअदबियां का, जे कोई किसी किस्म का सिस्टम की गल करता, तो जे वो डील इदा का तुम करते हैं तो फिर साढ़े सिस्टम के सुधार सुधूर नहीं आना। और मैं क्योंकि कभी इन चीज़ों तो डरिया ही नहीं, क्योंकि डेस्टनी जी आ ना वो हर बंदे दी लिख के आउंदी आ, ते डेस्टनी नू बंदा चेंज नहीं कर सकता। ये इन्हां नू गलत फहमी आ किसी नू, कोई शायद कई बारी कई बंदियां नू गलत फहमी हो जाती है भी खरे मेरे तो बिना सूरज नहीं चढ़ना, ये नहीं हुंदा, ये कदी नहीं हुंदा, ये इन्हां नू भी भुलेखा कढ लैना चाहिए। मैं तो हमेशा ये गल कहना हुंदा, जदों जागो उदों सवेरा, अज सोच लईए अज ठीक पासे नू तुर पईए ते ठीक हो जूगा, की प्रॉब्लम है। लेकिन जदों तुसीं उहदे विच इन्ने क खुब जाने, इन्ने क उहदे विच माड़ियां चीज़ां कर पैंदे आ, उहनू जदों कवर अप करन लग पैंदे आ, तां फिर उहदे विचों निकलदा कुछ नहीं है। ये पंजाब दी पॉलिटिक्स दी बदकिस्मती आ, जदों तों इह शुरू होई आ, मेरा ख्याल 78 तों विजिलेंस शुरू होई आ, ये सवाए वेंडेटे तों। आ करलैंड दा जिहड़ा विजिलेंस दा इरीगेशन दा इशू आ, करलैंड दा जिहड़ा ओह जिहड़ा ਭਲਵਾਨ ਐਕਸੀਅਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਪਰਮਲ ਜੀ ਅਬਜੈਕਟ ਵਰਡ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਬਜੈਕਟ ਵਰਡ ਕੀ? ਐਗਜੈਕਟ ਵਰਡ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਕਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਫੈਕਟੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਵੀਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡੀਫੈਕਟੋ। ਭਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ 10-12 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ? ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਡਈ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਆ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ।
हूँ कह दें हूँ ही चले जाना पटराला भी ये बेसिकली बह मरोड़ के बंदे ने मरोड़ लैन प्रगट सिंह की ऐसा आवाज बुलंद रहेगी। प्रगट सिंह देखो बहुत घट बोलता मैं मेरा ख्याल है कि जिन्ने पत्रकार दोस्त आते हैं मैं कभी भी कोई स्टेटमेंट कभी भी दिती हो मैं कभी कभी कि दो चौं महीने यार मैं कहना काम करिए सारिया नाल मेरा तुहाडे नाल चंगा सहचार है आप कई बार चाह भी बैठ के तुम कई बार मैं गुजा जी भी मारते होंगे भी भाजी कुछ बोलो मैं कई यार नहीं कुछ बोलने वाली गल है लेकिन जे इदा की गल हैगी फिर क्योंकि शांत मन हैगा क्योंकि कोई इशू नहीं है जितों को मैं तुरया तो जिथे क तक पहुँचा जे ये डेस्टनी ना होंगी तो मेरे वर्गा बंदा पहुँच नहीं सी सकता नहीं पहुँच सकता रियलिटी ये आ कि जिस लैवल तो तुरे आ तो जो डेस्टनी की गल हैगी फिर बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता अज तक मैं बंदे की बहुती मैं कई बार कई ने कहा तेरी ए सी आर खराब हो जाए मैं उपर वाला ना ए सी आर खराब करे बंदे की ए सी आर खराब की मैं मानता ही नहीं है कांग्रेस मैं अज तक जगतार जी कभी भी किसी पोलीटल पार्टी को माड़ा नहीं किया मैं अकाली दल चा मैं कांग्रेस च है पोलीटल पार्टियां तो सिस्टम को चला बनिया से चला बंदे माड़े चंगे आ उदा चेहरा मोहरा बदल गया उदा चेहरा मोहरा इदा का हो गया कि वह फाइनैशियल एंगल जोड़े बहुते दिते जा लग पे क्योंकि सरकार के खजाने पैसे जाने की बजाय तो जो लोगों दिया जे सौ अकाली दल का बंदा अमीर हो गया सौ कांग्रेस का बंदा अमीर हो गया पंजाब का की करांगे जोड़ा साडा यूथ जाई जान दिया उदा की करांगे जोड़ा मुड़ा ही नहीं है कदी उदा की करांगे जिहड़े बजुर्ग कल्ले दे कल्ले रह गए उन्हां दा की करांगे क्योंकि लड़ाइयां तां डिफरेंट तरीके दियां साडियां एजुकेशन सिस्टम साडा हैल्थ सिस्टम कलैप्स कर गया साडा एग्रीकल्चर डाइवर्सीफिकेशन की बहुत वड्डी रिक्वायरमेंट है क्योंकि विजुअलाइज तां करके देखो भी पंजाब नूं किधर नूं लैके जाणा बहुत टैक्नोक्रैट्स की जरूरत है क्योंकि ब्यूरोक्रैट ने ते पॉलिटिशियन ने टैक्नोक्रैट नूं तुहाडे चों बहुत बंदियां दा 20 25 30 साल का तजर्बा होगा तो हर फील्ड के इदा के बंदे बैठे आ तो उन्हां दी सलाह लैके गांह तुर पो मैनू प्रॉब्लम की आ जे मैनू नहीं आउंदा तो मैनू पुछण च किसे नूं की हर्ज है एक्चुअली विजुअलाइज तो पंजाब नूं करन दी जरूरत हैगी आ कि पंजाब दे विच होणा की चाहीदा और पंजाब का किरदार जिहड़ा मैं तो हुण इस गल लई भी बड़ा क्लीयर हाँ कि पढ़िया लिखिया तो सियाणा एक चीज़ हुंदी आ कि पढ़िया लिखिया सियाणा दो चीज़ां हुंदियां मैं तो कई पुराने बजुर्ग देखना उन्होंने समाज में सामभ के रखा सी कई हूँ मैं पढ़े लिखे देखना जोड़ा फाइलों के कमा कमा के पंजाब का हिंदुस्तान का यहोजा सत्यानाश मारिया इन्होंने लोगों ने तो जिंदी भरपाई जी आने वाले समय से क्योंकि साढ़े तो पॉपूलेशन का भी प्रैशर है साढ़े तो होर चीज़ों के बड़े प्रैशर है अज दुनिया के उत्ते सब मुल्क ने साड़िया फ्लाइटा बंद करतियां भी हिंदुस्तान तो अभी फ्लाइट नहीं लैनी हिंदुस्तान का जो कोई भी नागरिक आ साडे कंट्री ये साडा रेपूटेशन है इनू एक्सैप्ट करो यार एक्सैप्ट करके अगे तुरो जे इनू बैटर करना है जे नहीं करना तो फिर तो यह तुम गोलियां सही जाने इधर दियाँ बाला इधर नू पाई जाने मैं तो असली गल आ खेड वाली लैंगुएज के सारी गल कर देना हूँ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुता सची गल है मेरा सहचार बहुता किसी है नहीं
मैं तो जे आ गया तो जिनी क मेरा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो इतने तो इतों कॉन्स्टिट्यूएंसी तो लेकिन जिड़ी गल पंजाब की गल हैगी मैं करनी जरूर है जिनी कल मैनू समझ आती जो मैनू कोई कन्विंस कर दे ते जा फिर मेरे को कोई कन्विंस हो जाए गलत है नहीं मैं तो जो एक दो बंद दसना मेरा फर्ज बनता सी बीइंग एम एल ए मैं कन्वे कर दिता नहीं प्रधान साहब नूं भी कन्वे किया चलो रिएक्शन जरूरी नहीं है मेरा सच्ची गल है मेरा भी सांझ करन नूं नहीं सी दिल करता मैं कहा यार की कहूँगा मैं की कहूँगा भी मैं 15 साल हिंदुस्तान की हाकी टीम च रहा 10 साल कप्तानी की मेरे नाल ये आ करन जा रहे हैं जे ये इदा ही हुंदा आ तो फिर कोई गल नहीं इदा ही चलते मतलब भजद्यां नूं वाण इको जिहा नहीं भजद्यां नूं वाण तो इको जिही है की रौले वाली गल है बेअदबी के केसा की जांच की मांग तुहाडे वल्लों ते नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों लंबे समय तों कीती जिहड़ी कल 6 गिरफ्तारियां होईआं किवें देखदे हो लगदा जांच सीपे जारी है असीं तां कदी इह किहा ही नहीं है मैं तां हमेशा इह गल कहिंदा वी जिहड़ी गल ठीक आ उहदे ते पहरा दे लईए कौण रोकदा आ जे बेअदबियां दे विच वी जे इनवैसटीगेशन बहुते चीज़ां च हो चुकी आ नौ निहाल सिंह ने एफीडेविट दित्ता सी 2008 दे विच जिहड़ा बाबे राम रहीम ने पोशाक पाई सी ते साडे को सफिशेंट एविडेंस है फॉर ट्रायल्स वो किने कैंसलेशन की सरदार सुखबीर सिंह बादल कल परसों की कल की खरे स्टेटमेंट आ यार क्यों तुसीं क्यों इन्हां चीज़ां नूं पोलिटिकलाइज करते हैं क्यों इन्हां चीज़ां की सोच नहीं है कि आने वाले समय के असी अपने समाज में अपने धर्म को किधर नूं लैके जा रहे हैं पिछली बार भी उही करना सी एक अद्धा पर विच मैनू नहीं पता सी भी मेरे नाल आहा होनी है देखो सच नूं ना कभी जिहड़ा आ थले नूं नहीं कीता जा सकदा मेरे वर्गे बंदे नूं मैं तुहानूं अग्गे भी दस्सिया कि जिस लैवल तों मैं चलिया ते जिस लैवल ते पहुँच गया ते जे ये डेस्टनी ना हुंदी तां फिर मैं इस लैवल ते पहुँच नहीं सी सकदा बहुत जिथों जिथों की भी लंघिया लोगों ने बहुत लत्तां खिच्चियां सच्ची गल है जिथों जिथों की भी लंघिया जे कितें मैं कितें इहदी किताब लिखणी होवे ना ते जिथों जिस पिंड तों मैं तुरिया ते जिस तक हुण पहुंचिया ते मैं तां उहनां लोकां दा भी धन्नवाद करदा वी जिन्हां ने जे लत्तां ना मेरियां खिच्चियां हुंदियां शायद मैं इत्थे तक ना पहुंचदा मैं उहनां दा भी धन्नवाद करदा सी भाई इक सवाल चाली चंगे माड़े क्या इक्को जे सारे इक्को जे आ सानूं सोच बदलण दी जरूरत है सानू थॉट प्रोसैस बदल की जरूरत है मैं क्यों हमेशा कहना इंटरनल डेमोक्रेसी ठीक कर लीए आपू पंजाब के इशूज से कम करना पैना पंजाब जा किधर नू जा रहा किसी नू जस्टिस की उम्मीद नहीं आती एक और सवाल जवाब सरदार प्रकाश सिंह बादल चंगे या कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों बहुत रिस्पेक्टेबल आ लेकिन दोनों ने सिस्टम का यहोजा तहस नहस किया और जिहड़ी ये सक्रिप्ट दोनों परिवार लिखण डए आ ना उहदा आखिरी पन्ना जिहड़ा मैनू लगता सानू लिखना पैना मैं हमेशा टीम की गल करदा मैं कभी इंडिविजुअल की गल नहीं करदा आपां कुछ चंगे बंदे जिदण चंगे इकट्ठे हो जाणगे उदन ये सुधार भी आजूगा की नहीं सुधार क्योंकि साढ़े कदर कीमत असी असली गल है लालची इन्ने हो गए वो कदर कीमत से असी पहरा ही नहीं दे सके जिहड़ा करैक्टर पंजाबियों का सी असी खड़ ही नहीं सके और सब तो जिहड़ा वड्डा नुकसान किया जिहड़ी चाचे ते ताए की लड़ाई आ मैं अपने हल्के च घर घर बंदिआं नूं कहिंदा हुंदा ना लड़ो ना लड़ो तुहाडी लड़ाई जिहड़ी आ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਧੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਧੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਓ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਓ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹਜੇ +2 ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 2.5-3 ਏਕੜ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬੈਟ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹਾਕੀ ਆ ਪਲੇਅਰ ਠੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੱਤਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਡਿਸਟਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਯੈਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ